साल से हमारा पैसा खा रहे हैं, हाई स्कूल का पैसा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको? एक साल हो गया। आज तक आपने क्यों नहीं बताया? वेटिंग में रखा, आज डालेंगे कल डालेंगे, आज डालेंगे कल डालेंगे। लगभग कितना पैसा आपका रुका हुआ है कंपनी के पास? हमारा 40,000-45,000 उसमें से हमें 20,000 डाल रहे हैं। 20,000 डाल रहे हैं, बाकी वो खा रहे हैं। आपका क्या मसला है? रेट है बराबर, ये रेट किसी को कम किसी को ज्यादा, किसी को 10 रुपए देते हैं, किसी को 5 रुपए देते हैं, किसी को 40 रुपए देते हैं, ये नहीं चलेगा यहाँ चलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 4 लाइन का प्रोजेक्ट जो कई सालों से जो चल रहे हैं, आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट रामबन की। अगर बात करेंगे तो मारोग टू डिगडोल जो 2 ट्यूबलाइंस जो चल रहा है काम, ये जो काम मिला था टाटा को और टाटा ने आगे जो है वो सबलेट पे दिया है, वो है मार्को लाइन जो डिगडोल के मुकाम पे काम कर रही है। आज लेबर्स ने वहाँ पे जो है पीसफुल एक एहजाज किया और उनकी मांग है कि हमें देर से जो है सैलरी दी जाती है, 20,000 किसी को, 18,000 किसी को, 15,000 है, ना पीएफ हमारा कटता है ना अलाउंस मिलता है। देख सकते हैं कि किस तरह का जो है वहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल भी लगाया गया है और खुद जो है वहाँ के लेबर्स ने कहा कि यहाँ पे जो है सब स्टैंडर्ड का मटेरियल लगाया जाता है। हाल ही में आप देख सकते हैं कि के मुकाम टनल जो है पूरी तरह से क्लैप्स हो गया था सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाने की वजह से। इस सब पे बात की एडवोकेट फिरोज खान से। सुबह प्रोटेस्ट हुआ जो डिगडोल से मारो की तरफ टनल आ रहे, डिगडोल साइड में 2 ट्यूब्स टनल बन रहे हैं, वहां पर टाटा कंपनी ये कहती है कि हम खुद काम कर रहे हैं, मगर हकीकत में वहां पर उन्हें सबलेट किया मार्को लाइन और कुरबा कंपनी को, उन्हें काम दिया है। आरटीए में वो कहते हैं हम खुद प्रेजेंट है, बट हकीकत में वो नहीं। आज सुबह वहां पर जो लेबरर्स है वहां पर जो स्टाफ है उन्हें प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनको सही टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, पीएफ नहीं मिलता उनको, और हकीकत में उनको सैलरी स्लिप नहीं मिलती, 6-6 महीने के बाद सैलरी मिलती है और जितनी लेबर लॉज के अंदर सैलरी है वो उनको नहीं मिलती। इसके साथ वहां पर सब स्टैंडर्डाइज मटेरियल यूज किया जा रहा है। आईसीटी ने भी पहले ही उनको नोटिस दिया कि आप पूरा सब जो स्पोर्ट सिस्टम है उसके थ्रू काम कीजिए, पूरा जो एक्चुअल मटेरियल है सब स्टैंडर्डाइज मटेरियल मत यूज कीजिए, बट वो पूरे लॉज का उल्लंघन वहां पर कर रहे हैं। पहले ही रामबन में आप देखिए मिहाड़ में 400 मीटर टनल का जो बना वो ढह गया सब स्टैंडर्डाइज मटेरियल यूज करने की वजह से। यही हमारी सरकार से मांग है कि पूरे लेबर लॉज फॉलो किया जाए और हमारे जो वहां पर लोग हैं उनको प्रॉपर सैलरी मिले विद सैलरी स्लिप के साथ, प्रोविडेंट फंड मिले और बाकी जो मेडिकल अलाउंसेज है वो भी पूरा मिले और इनका जो मटेरियल है वो पूरी क्वालिटी का लगाया जाए। टाटा कंपनी खुद वहां बोल रही है मैं काम कर रही हूं, तो हकीकत में जो मार्को लाइन और कुरबा कंपनी है उनको उनने भी आगे सबलेट किया है, वो नहीं चलेगा, टाटा कंपनी खुद आके वहां पर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत, हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।